कई बार जैसे हम एविडेंस सीज करते हैं और उसको जब हम FSL भेजते हैं तो उसमें वहाँ से रिजल्ट आने में हमें काफ़ी टाइम मिलता है, तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाती है। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम ऑन द स्पॉट जाएंगे और वहाँ पे जो भी डिजिटल एविडेंस होता है उसमें से जो भी हम डाटा होता है वो हम वहीं पे अपने डिवाइसेस में लेके या उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करके उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, उस डिवाइसेस में से हमें क्या लीड मिल सकती है जो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेगी ये हमें विद इन आवर्स मिल जाएगी। मतलब मोबाइल डिवाइसेस में क्या डाटा स्टोर है, क्या वो चीज़ एक्टिविटी कर रहा था, क्या ब्राउजिंग मतलब जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे क्या देख रहा था, लास्ट कॉल्स किसे करी हैं या उसकी GPS लोकेशंस वो डिवाइस कहाँ कहाँ गया है, किस किस नेटवर्क से वो कनेक्ट हुआ है। सेम ऐसा ही जैसे उसने अगर लैपटॉप या कोई अपना डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है तो उसमें उसने क्या बनाया है, क्या एक्टिविटीज़ करे, ये हमें वहीं ऑन द स्पॉट मिल जाएगी।